मित्रों, आज हम एक रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसमें एक रंगीन गैस बाहर निकलेगी। इसके लिए मुख्य रूप से आपको दो रसायन चाहिए, एक तो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कुछ जिंक मेटल के धातु के टुकड़े। आप एक बीकर के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डालें, उसके बाद में जिंक जो धातु है उसके कुछ टुकड़ों को इस बीकर के अंदर डाल दें। जिंक डालते ही एक बहुत जोरदार रिएक्शन होगा, एकदम विगरस रिएक्शन, और भूरे रंग की एक गैस बाहर निकलेगी जो है नाइट्रस ऑक्साइड। बहुत तेजी से यह गैस बाहर निकलेगी। अगर आप बीकर को छुएंगे तो उसका तापमान बढ़ जाएगा क्योंकि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें गर्मी या हीट पैदा होती है। कुछ समय के बाद में नाइट्रस ऑक्साइड गैस निकलना बंद हो जाएगी और जो बचेगा बीकर के अंदर वो है जिंक नाइट्रेट। क्यों, कैसा लगा आपको ये प्रयोग?